नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अरविंद केजरीवाल को यह लगातार भरोसा होता जा रहा है कि वो धरती पर सबसे चालाक हैं, और वो जो खेला करते हैं वो कोई समझ नहीं पाता। उन्हें लगता है कि बहुत आसानी से मोदी विरोध में जो सालों से लगे खिलंदर हैं वो उनके लिए खेलना शुरू कर देंगे। इसीलिए जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई तो उन्हें उम्मीद बढ़ने लगी। पूरे मामले को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्से में लिया तो केजरीवाल और ज्यादा चालाक होने लगे। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन एकाएक लॉबिस्टों ने ऐसा गंध मचाया, ऐसा खेल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनने से मना कर दिया। और जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मित्र बनाया था वो हरीश साल्वे वापस हट गए। लेकिन नियति जो केजरीवाल की होनी थी वो बेपर्द हुए दिल्ली हाई कोर्ट में आकर के। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और प्रकाशक संदीप देव। नमस्कार संदीप, नमस्ते मनीष भाई। बस क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? ठीक है, केजरीवाल की दिल्ली में जी रहे हैं, पता नहीं कब लटक जाएं, पता नहीं। संदीप, आप तो उस आप दौर अच्छा में है कि थे, जो आप योगी के राज्य में जी रहे हैं, यहाँ केजरीवाल जी चलिए हैं जो लोगों इसीलिए को कर्तव्य कर रहे हैं, लोगों को मार के कर्तव्य कर। आप एक समय में मजाक उड़ाया करते थे कुछ भी हो जाए दिल्ली में हम हैं, मगर चलिए आपको एहसास हो रहा है कि आपके दिल्ली से बेटर हमारा योगी का यूपी उत्तर प्रदेश है। उस समय हम मुलायम पुत्र के राज में हुआ करते थे तो आप बहुत मजाक उड़ाया करते थे हमारा। चलिए कम से कम जो है पलटी जो है मर गया, खुद एहसास आपको ये बात इस बात की हो रही है इससे साबित होता है कि नेता ही जो है वो एक प्रदेश को क्या अच्छा बना सकता है, बुरा बना सकता है, ये नेता पर निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है संदीप कि आपने उस दौर में केजरीवाल के लिए लिखा जब मैं थोड़ा थोड़ा केजरीवाल से प्रभावित था। वो अन्ना आंदोलन का दौर था और उस दौर में आपने किताब लिखी थी केजरीवाल के कुकृत्यों को लेकर के, उनके खेल को लेकर के। मुझे याद आता है वो किताब जो है सार्वजनिक रूप से कभी आपने अपने बतौर लेखक उसकी गिनती नहीं की, लेकिन वो एक पूरा काला चिट्ठा था अरविंद केजरीवाल का। आप उस दौर में केजरीवाल को कैसे पहचानने लगे जिस दौर में केजरीवाल की जय जयकार दिल्ली की मीडिया भी कर रही थी संदीप? क्योंकि मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था नई दुनिया अखबार में, और वो जो आंदोलन था उसमें रात रात भर जग के सारा आंदोलन को मैंने बड़ा नजदीक से देखा था। और उस आंदोलन में यहाँ तक कि जब अन्ना गिरफ्तार थे तो तिहाड़ जेल पर पहरेदारी भी मैंने की थी। तो उस आंदोलन को जब नजदीक से देखने पर मुझे लग गया, और एज ए रिपोर्टर तो जब हम कवर करने गए थे कि इस आंदोलन के पीछे का खेल कुछ और हो रहा है। उस आंदोलन में जिस अन्ना को चेहरा बनाया गया था, उस अन्ना को डपटा जा रहा था केजरीवाल गैंग के द्वारा। फिर मुझे लगा कि खेल तो कुछ और चल रहा है इसके पीछे, और फिर हमने अपनी तहकीकात शुरू की। मेरा अखबार उस समय एंटी अन्ना मूवमेंट का एक बड़ा अखबार था, नई दुनिया अखबार, और उसने उस मूवमेंट को उस दिन से ही कहा कि ये बड़ी साजिश है। लेकिन मैं उस समय आंदोलन को सपोर्ट करते हुए उसके अंदर घुसा, और फिर मैंने देखा कि बात सही है कि ये, और हमारे जो एडिटर थे आलोक मेहता जी, ये केजरीवाल को उस जमाने से पहचान रहे थे कि ये नाटक कर रहा है, ये नौटंकी कर रहा है। और फिर हम लोग उसमें फिर हम तह तक पहुंचे, और कैसे केजरीवाल ने खेल किया, कैसे आंदोलन को खड़ा किया गया, कैसे अन्ना एक डमी था। केजरीवाल उस जमाने में हमारे अखबार के मालिकों से मिलने आए थे, और बिना आंदोलन के, बिना हम कोई चीज, मैं अगर लेखक नहीं हूं आज भी, अगर हमने आपकी पुस्तक हो, मेरी पुस्तक हो, लोगों को मैंने वो पुस्तक दिया है कवर, तब जाके मैंने कहा प्री बुकिंग कीजिए आप, पर हमने कुछ नहीं किया। और हमने कहा, हम कहे कि भैया आप मेरी बुकिंग कर लीजिए, तो हो नहीं सकता। तो ये मालिकों के पास गए, जब नई दुनिया अखबार में के समय में थोड़ा उससे ठीक पहले जागरण में था, कि हम एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं। मालिकों के पास गए और हम ऐसा मूवमेंट, और मालिक उस समय उनके साथ आते गए बिना किसी मूवमेंट के। यानी कौन इसके पीछे हैंडल कर रहा था, पूरी सत्ता लगी हुई थी, एनएसी जो सोनिया की थी वो लगी हुई थी।
सुभाष चंद्र आजकल बड़ा नेशनलिस्ट बने हुए हैं, जीटीवी पर सुधीर चौधरी, उनके साथ भी बैठक हुई उनकी, और सुभाष चंद्र ने पूरा ना सिर्फ आरोप के मुताबिक ना सिर्फ मंच दिया, फंड किया। और बाबा रामदेव की तो पुस्तक मैंने लिखी है और मैं उनके साथ एक साल रहा हूँ। बाबा रामदेव के साथ प्लेन में सुभाष चंद्र ने केजरीवाल की मीटिंग कराई, ये भी मैंने लिखा है। और उस वक्त केजरीवाल मनीष सिसोदिया जैसा साथी जीटीवी से उपलब्ध कराया गया, यानी पूरा मूवमेंट चैनल और अखबारों ने तय किया था। ये मैं अखबार में रहते हुए देख रहा था, मैंने कहा अगर अखबार चैनल इसको कर रहे हैं तो खेल क्या है बड़ा, और क्योंकि बिना कोई मूवमेंट हुए अखबार आखिर क्यों इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्यों चैनल प्रमोट कर रहे हैं। उस दौर में मैं रिपोर्टर था, रिपोर्टर हमारे दोस्त होते थे सब, तो रिपोर्टर कहते थे बाप रे आज तक में बैठकों का दौर चल रहा है कि आंदोलन को कैसे स्पॉन्सर किया जाएगा। उस समय एक और चैनल था राजदीप सरदेसाई और आशुतोष का, आईबीएन हमारा दैनिक जागरण की चैनल 7 लेकर आया था, और चैनल बिक गया, वो चैनल खरीद लिया राजदीप सरदेसाई और राघव बहल ने, मतलब यूपीए दौर में ये पत्रकार मालिक बन गए थे, इतने पैसे कमा रहे थे। तो उसमें बैठक हो रही थी और उसमें जो है आशुतोष लगातार उस बैठकों में शामिल हो रहे थे, ये राजदीप सरदेसाई, ये सब जो है, तो पूरा एक जो आप कहिए कि ऑर्नामेंटल एकदम ऑर्केस्ट्रा तैयार किया जा रहा था, ये मेरे नजरों से गुजरी हुई थी। और उस जमाने में अकेला हमारा अखबार था नई दुनिया जो एंटी अन्ना मूवमेंट था, एक अकेला अखबार था। परंतु हम कहे हमारे लाइन हमारे अलग क्यों हो रहे हैं, पर उसमें तह में घुसने में मैंने देखा कि मेरा अखबार क्यों अलग हो रहा है, ये मूवमेंट को खराब करना चाहता है। और जब मैं उसमें घुसा तो लगा बात तो ठीक कर रहे हैं, ये लोग सारे मूवमेंट खराब कर रहे हैं। और तब मैंने उसको जो है, तो वो जो आपने किताब की बात की, वो किताब मैंने अपनी बाबा रामदेव की किताब में उस चीज को एक्सपोज किया था, क्योंकि मूवमेंट पर उस किताब का एक पोर्शन 2011 का निकाल के मैंने एक अलग किताब केजरीवाल की लिखी थी। तो मैं इस आंदोलन को तो जब बाबा रामदेव के वहां उस पर लाठी बरसा रहे थे तो भी मैं रामलीला मैदान में था, तो रात रात भर हमने रिपोर्टिंग की है। मैं कोई आपसे कहूं कि अंजना ओम कश्यप और राजदीप सरदेसाई की तरह थोड़ी ऊपर एंकर बन गया हूं, हम तो रात रात भर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो पता चल रहा था उसी दौर में कि केजरीवाल ने जैसा एक गिरगिट जो अन्ना को खड़ा करता है, कैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप का इस्तेमाल, उस समय भारत वर्ल्ड कप जीत के आया था, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के समय अगर भारत की क्रिकेट टीम आ रही है भारत में नई दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उस समय हमको अन्ना को इंट्रोड्यूस करना है ताकि मीडिया का जो चैनल है कैमरा है वो वहां रहेगा खिलाड़ियों को कवर करने के लिए, तो हम अन्ना को कवर करवा लेंगे, ये पूरी रणनीति बन रही थी उसमें। और क्रिकेट के जब प्लेयर आए तो उस समय पूरी जीप की, और ये रणनीति बनाने वाले थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, ये सारे पत्रकार थे, ये पत्रकार थे जो रणनीति बना रहे थे मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके। और इसकी रणनीति के लिए आपको और आश्चर्य होगा, सोनिया गांधी की NSC ने बैठक की कि कैसे इस आंदोलन को मीडिया कवर करेगी, पूरा सोनिया गांधी की NSC ने पूरा उसके लिए बैठक की गई। और न सिर्फ बैठक किया गया, इसका एक डेमो किया गया जिसमें जो अरुणा राय ने बकायदा लुटियंस दिल्ली में एक डेमो किया, उस डेमो में कहा गया कि ये भारत माता की जय वंदे मातरम ठीक रहेगा क्योंकि ये लेफ्टिस्ट है, तो उसमें कहा गया कि जनता को भ्रमित करने के लिए ये काम चल करेगा, तो पूरा डेमो चला। वो सारी मैंने अपनी पुस्तक में लिखी है कि कैसे डेमो किए गए, तो ये बड़ा भारी साजिश था। और वो किताब जब नरेंद्र मोदी सरकार आई सत्ता में, तो ये जो NSC की बैठक का ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाए थे बैठक का, ये NSC की वेबसाइट से गायब हो गया 14 में, और NSC का वेबसाइट भी गया। तो उस बैठक में सोनिया के बैठक में अरविंद केजरीवाल भाग ले रहे, तो मोमेंट ही असल में था कि एंटी जो उस समय कोयला खा रही थी, हवा निकल रही थी UPA सरकार, कॉमनवेल्थ गेम के वो जो कॉमनवेल्थ गेम के ये जो टिश्यू पेपर है वो 6,000 के टिश्यू पेपर आ रहे थे तब, बिल्कुल घोटाले थे, तो उस घोटाले को डाइवर्ट करने के लिए एक घोटाला हुई आंदोलन, क्योंकि उसमें जो इनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो था कि अगर गुजरात में 2012 में शायद मोदी की 7/5/12 कि अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी आ गए तो अगला जो है वो भारतीय जनता पार्टी में वो
प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकते हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बड़ा बड़ी लड़ाई 14 में चुनाव आएगा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को डाइवर्ट करके मोदी से एक बड़ा भ्रष्टाचार का आइकन क्रिएट करना था और उस आइकन क्रिएशन में अरविंद केजरीवाल को बैठाया गया, पूरी तरह से प्लान किया गया और वो फिर आप देख ही रहे हो कि क्या हुआ है। इसीलिए संदीप हमने इस मुद्दे को उठाया कि आप शुरुआत समय से ही, जिस समय मैं भी कुछ हद तक उससे प्रभावित था, क्योंकि प्रभावित हम लोग इसलिए हो गए थे कि कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार से एकदम से परेशान थे और लग रहा था कि ये कुछ बदलाव की रणनीति हो रही है, लेकिन धीरे धीरे देखा कैसे मीडिया ने खड़ा किया, कैसे आशुतोष ने अपना चैनल वहां से खड़ा कर लिया। आशुतोष ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया कि हम लोगों ने कैसे प्लानिंग की है और धीरे धीरे ये चरित्र सामने आया कि कैसे इन तमाम चीजों के पीछे मीडिया होता है। और मुझे लगता है कि अपनी पीठ थपथमाने का मामला नहीं है, हम दो शायद संभवतः 1 और 2 से 11 होते आए कि अपने ही पेशे के खिलाफ मुहिम चलाए कि इन चिरकुटों के खिलाफ पोल खोल के रखें। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं जो आलोक मेहता वाले प्रकरण को लेकर के, अजीत अंजुम वाला, तो हम लोगों ने कोशिश की कि वो का करके बोले खुद भी। नहीं नहीं उसमें मैं भी कुछ बताऊंगा, मैं बताऊंगा क्योंकि मैं आलोक मेहता जी के अंदर 5 साल 6 साल काम किया हूँ, मेरा अनुभव है, और अरिजीत अंजुम से भी मेरी मुलाकात है तो वो भी अनुभव है, तो मैं बताऊंगा कभी अगर आप आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल, देखिए संदीप, चूंकि हमने इसीलिए रखा कि कैसे हम ये चाह रहे हैं हम लोग कि कैसे मीडिया, आज भी जो विषय है वो यही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में परसों तक मीडिया के खेल, फिर हम इससे आएंगे कि परसों जब हाईकोर्ट में ये मामला आया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने, परसों की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को। उसके बाद उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार को बहुत जबरदस्त फटकार लगाई और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हमें शर्म आती है आप लोगों पे, आपको क्या खुद पे शर्म आती है कि नहीं। कमाल की बात यह संदीप कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की उसे मीडिया निगल गई और दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाया और हम सबके साथ बीच के जो साथी कुछ हैं, ये कुछ जो चिरकुट सनसनीबाज, ये सांप चुचुंदरबाज, ये छिछोरेबाज, ये सुसु पत्रकारिता वाले जो नए नए खिलंदर हैं जिसके बारे में अक्सर आपने पंचमकार शब्द का गठ अपनी तरह से तैयार किया है, इन सबने एक माहौल बनाया। ये सुसु पत्रकार भी मेरा ही दिया हुआ है, बाद में दूसरे पत्रकार था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पति पति जो है वो सांप छुछुंदरबाज था तो पत्नी ने नया इजाद किया, संदीप आपने नाम दिया भले ही लेकिन उसकी पत्नी ने इजाद किया सुसु पत्रकारिता, तो आपको कभी मिले तो पीठ थपथपा दीजिएगा। उसने सुसु पत्र, उसके पति ने जो है सांप छुछुंदरबाज की पत्रकारिता शुरू, किसने सुसु पत्रकारिता शुरू, किसने नए चीजों को इजाद किया। अब मैं जो बात कह रहा था वो कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सब मामले को ले लिया, देखिए सामान्यता होता है, हम लोगों ने कोर्ट की रिपोर्टिंग की है कि जब एक ही मैटर राज्य अलग अलग राज्य के हाईकोर्टों के पास हो तो सामान्यता सुप्रीम कोर्ट इसे ले लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कैसे इन लोगों ने, इन पंचमक्कारों ने, इन राक्षसों की टोली ने गिद्ध की तरह सुप्रीम कोर्ट को नोचना शुरू किया और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे हमला। आखिरी दिन था जस्टिस बोबड़े का और उन्होंने इस मैटर को वापस कर दिया संदीप, जो हरीश साल्वी ने उन्हें अमाइकस बनाया गया उसने वापस कर दिया, इसे आप कैसे देख रहे हैं इस सब चीजों को। इस पर मैंने कल परसों बताया था कि ये एक बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है और इस लॉबी में जो पंच मक्कार है पूरा फिट जो बैठते हैं, इस लॉबी का बड़ा खेल था। जरा पंच मक्कार आप अपने शब्द में मेरे व्यूअर्स को समझा दीजिए कि आप पंच मक्कार किसे कहते हैं। पंच मक्कार का मतलब है, जो आप इसको ऐसे समझिए कि पंच मक्कार वो है मिशनरीज है, जो मिशनरीज काम करती है इस देश में, वेदांता ग्रुप को बंद कराने में मिशनरीज की बड़ी भूमिका है चर्चों की, फिर उसके बाद जो मुल्ला है दूसरे नंबर पर, ये मुल्ला आते हैं, तीसरे नंबर पर मार्क्स और माओवादी आते हैं जो हमेशा समाज को द्वंद में बांटते हैं, विभेद करते हैं और समाज में हमेशा एक इन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बना रहे। चौथे नंबर पर वो जो एलिट क्लास है, जो मेंटली एलिट है, अंग्रेजी में सोचता है, उसको लगता है कि जैसे कि वो वही सब ज्ञानी है, जैसे कि करण थापर जैसे लोग, जैसे कि आपसे कहें हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जो किताब जिन्होंने लिखा था
संजय बारू, बारू ऐसे जिनको लगता है कि एलिट के बारे में नहीं सोचा जाता है, तो वो मैकाले मेंटलिटी है, वो चौथा मैकाले मेंटलिटी है, जो अपनी दुनिया में रहता है, उसको लगता है वो एलिट है और एलिट के ढंग से। और पांचवा जो है हमारा मीडिया है, जो मीडिया जिसको दिया गया था काम पहरेदारी का, मीडिया सत्ता की दलाली करने लगा, मीडिया आपसे कहें पार्टियों की दलाली करने लगा, कॉरपोरेट की दलाली, सबकी दलाली करने लगा, तो और खासकर अब विदेश की भी दलाली कर रहा है। तो ये जो पंच मक्कार हैं, पंच ये पूरा मिलकर एंटी इंडिया फोर्स बनता है, और इसीलिए मैंने इनको पंच मक्कार कहा कि ये मक्कारी करते हैं, धूर्तता करते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट वाले इशू में देखिए कि वेदांता ने कहा इस समय कि वेदांता को पहले मैं बताऊं कि 2018 में बंद क्यों कराया गया। वेदांता को तमिलनाडु में उसको पर्यावरण के मुद्दे पे बंद कराया गया, उस वेदांता के कारण कॉपर में हम निर्यात कर रहे थे, लेकिन पूरे चर्च ने, मिशनरीज ने और उसके फंडेड एनजीओज ने उसने इतना कोहराम किया है कि उसको बंद कर दिया गया, उसको हाई कोर्ट ने बंद किया, और बंद किया तो हम जो कॉपर को निर्यात करते थे अब आयात करते हैं, और फिर नंबर वन हमारे से ऊपर पहुंच गया हमारा हड़ा पड़ोसी पाकिस्तान। तो आप देखिए कि कौन फंड कर रहा है। अब ऐसे समय में वेदांता इतना बड़ा था कि वो ऑक्सीजन बहुत अच्छा सप्लाई कर सकता था पूरे देश को, इसलिए वो लोग गए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि भाई हम ऑक्सीजन जो है हम सप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लिया अच्छे से, तो उसमें सुप्रीम हाई कोर्ट जो है तमिलनाडु हाई कोर्ट, तमिलनाडु सरकार, सॉरी तमिलनाडु सरकार ने कहा, पहले दिन उसने अपोज किया, दूसरे दिन कहा कि अगर हमने इसको शुरू किया तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी। तो जस्टिस ने पूछा कि आपने ये कल नहीं बताया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती तो आप कल भी बता सकते थे। उसमें जो एमएस इनको हरीश सालवे गए और ये वहां ऐसे चले गए, तो स्वाभाविक है कि इस थॉट में एंटी इंडिया फोर्स के लिए एक हरीश सालवे बड़ी चुनौती है। वो कुलदीप यादव को बचाने से लेकर, और भारत में आप देखेंगे कि जितने मामले हैं उसको लेकर जो वो जिरह करते हैं, तो उनकी जिरह के आगे ये जो मक्कारों की टोली है वो ध्वस्त हो जाती है। उन्होंने हमला कर दिया कि जस्टिस बोबड़े के ये स्कूल फ्रेंड हैं इसीलिए इनको बना दिया, ये पर्सनल अटैक किया। और ये याद रखिएगा, इस मक्कारों को बिलो द बेल्ट वार करने की आदत होती है, ये हमेशा आपको पर्सनल, आपको आप अगर कहोगे तो कहे मनीष ठाकुर कितना पैसा मिलता है तुमको, वो आपको मुद्दे पे नहीं आने देंगे, वो आपको बिलो द बेल्ट वार करेंगे ताकि आप, और फिर आप कहोगे तुमको कितना मिलता है, मेन मुद्दा गौण हो जाए, मेन मुद्दा गौण कर दे, यही काम करते हैं। तो हरीश सालवे को ये कहा और हरीश सालवे को दुख हुआ। आखिरी दिन थी, जस्टिस बोबड़े को विदाई अच्छी दी जानी चाहिए थी, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जस्टिस दीपक मिश्रा को इन्होंने महाभियोग लाने की तैयारी कर दी, जिस जस्टिस गोगोई के लिए औरत उतार दिया, यौन शोषण का इसी विषय मैंने कल पूरा विश्लेषण किया कि मोदी युग में जितने सीजीआई आए इन सब का कैसे चरित्र हनन किया, कहने कल मैंने लाइव इसी पर किया था कि मोदी युग में हर, चाहे वो जस्टिस दीपक मिश्रा हो, जस्टिस रंजन गोगोई हो या फिर जस्टिस बोबड़े हो, और याद रखिएगा मैं आज कह रहा हूं ये जो जस्टिस रमन्ना आज शपथ लिया है, जस्टिस रमन्ना के लिए भी इन लोगों ने तैयार कर लिया कि कैसे इनका चरित्र हनन करेंगे। ये जिनको फेवरेट मानते हैं वो जस्टिस चंद्रचूड़ जो अगले चीफ जस्टिस होंगे आगे, उनको भी इन्होंने अर्णब गोस्वामी के मामले में बिलो द वेल्ट वार जाके किया था, बिल्कुल कर दिया है। तो ये, और इसीलिए ये नहीं चाहते थे, ये असल में अभी चाहते हैं देश में भय का वातावरण हो, बड़े पैमाने पे मौत हो, और इससे जो एक अराजकता पैदा हो उससे इनको सत्ता उखाड़ने को, ये जो एजेंट की भूमिका में है हमारे दोनों पड़ोसी के थ्रू जो एजेंट की भूमिका इनकी है वो सफल हो जाए, और उसमें ये नहीं हर साम दाम दंड भेद अपना रहे, और इसलिए नहीं चाहते थे कि वेदांता शुरू हो, और इसीलिए इन्होंने बिलो द बेल्ट बार किया था, और उसमें सरकार ने फिर शायद सोमवार तक के लिए अब सुनवाई होगी, शायद सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी, और उसमें एमएक्स क्यूरी का जो रिपोर्ट आएगा। तो ये हर जगह सफल हो जाते हैं, आप देखिए प्रशांत भूषण को कितना बिलो द बेल्ट वार करता है, चीफ जस्टिस मोटरसाइकिल पे बैठे हैं क्या क्या बोलता है, तो ये बिलो द बेल्ट वार करते हैं और ये हर हालत में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए कल इन्हीं के नेतृत्व का जो एक इन्हीं को नेतृत्व देने वाला अरविंद केजरीवाल, उसने देखिए कि कितना घटिया प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बैठक है
उसको लाइव करवा के उसने जनता को उसको मरने से नहीं बचाना है, एक गिमिक क्रिएट करना है, एक नौटंकी क्रिएट करना है कि देखिए मैं आपके लिए प्राइम मिनिस्टर से लड़ गया। और ये उन चैनलों ने जिनको 600 करोड़ रुपए में से टुकड़े मिले हैं, उन्होंने वो ये तक नहीं सोचा उन्होंने कि प्रोटोकॉल कुछ होता है। अगर इनके आप इनके आप मोबाइल टेप करवा लें तो ये कहेंगे प्रोटोकॉल देश में आपातकाल, परंतु अगर प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से नियम तय करते हैं, इसलिए इनके इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। संदीप आप जो बात कह रहे हैं ये मीम्स बनाकर चल रहे हैं, प्रोटोकॉल का मजाक उड़ा रहे हैं और एक तरह से सत्यापित कर रहे हैं कि केजरी ने जो किया वो सही किया। और आपको क्या लगता है कि केजरी ने जो कुछ भी किया और उसके बाद उसका जो लाइव टेलीकास्ट हुआ, ये ज्ञानी जो है अदालत लगाने वाले संपादक जिनको लोग राष्ट्रवादी संपादक कहते हैं, ये बहुत जो ये भ्रम बना हुआ है इन सबका, आपको क्या नहीं लगता है कि केजरी ने सब कुछ प्लांट किया हुआ था, एकाएक कैसे लाइव हुआ इन सब चीजों का? ये बड़े पैमाने पे आपको मैं बताऊं, जर्नलिस्ट तो इतना लंबा जर्नलिज्म का अनुभव है, जर्नलिस्ट ये केजरीवाल ने अपने जो ग्रुप हैं उनके जो जर्नलिस्टों के ग्रुप हैं चैनल के, एनडीटीवी आपसे कहें जी टीवी हो या टीवी हो, सारे हैं, मतलब मैं एक नाम नहीं लूंगा क्योंकि 600 करोड़ में के सब हिस्सेदार हैं आज तक और सब, तो वो पूरी तरह से पहले से प्लान्ड था और प्लान्ड था कि केजरीवाल बोलेंगे उसका इसको लाइव काट देंगे, पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी, एकाएक लाइव नहीं हो सकता, प्लानिंग के साथ ही होगा और उसको लाइव काटा गया। और जब केजरी तेज तीखी आवाज में बोल रहा था तब से लाइव काटा उन्होंने पूरा। और ये केजरीवाल का ये था कि केजरीवाल अपना ठीक रहा क्योंकि वो असफल हैं, वो 24 आवर विज्ञापन दे रहे हैं पर 5 साल में उन्होंने अस्पताल में कोई बेड नहीं बढ़ाए, ये हालत कर दिया कि खुद तो बेंगलोर में इलाज कराते हैं, उनकी एक स्वाति मालीवाल है वो फर्जीवाड़ा आपको ग्रेटर नोएडा में खड़ी हो जाती है, तो यहाँ अपना अस्पताल तो इन्होंने दिया नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिसंबर में पैसे दिए जा चुके हैं संस्कृति में है, सिलेंडर लगाया नहीं, कहीं कोई इनके पास मैकेनिज्म नहीं है, जब अमित शाह ठीक कर देंगे तो ये फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, तो ये तो किया नहीं, तो जनता को भ्रमित कैसे करें? केजरीवाल शुरू से उनकी पूरी राजनीति के लिए एक शब्द है सिर्फ भ्रम, जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने, और इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उनके आंदोलन शुरू नहीं हुए थे, उससे पहले मीडिया मालिकों के साथ और एडिटर्स के साथ बैठक चल रही थी, तो मीडिया का उपयोग करते हुए जनता में भ्रम कैसे बनाए? इसलिए केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा बजट जो रखा वो मीडिया के लिए रखा, उनका पेट भरने के लिए रखा। आज ये मीडिया वाले कहते हैं ऐसे समय में राजनीति हो रही है, तो आप कहिए ना कि मुझे जो आप विज्ञापन के पैसे देते हो केजरीवाल जी, विज्ञापन बंद कर दीजिए, उससे ऑक्सीजन लगाइए, क्या ये रजत शर्मा बोलेगा? क्या ये सुधीर चौधरी बोलेंगे? क्या ये एनडीटीवी बोलेगा? क्या ये अरुण पुरी का चैनल बोलेगा? कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। जो आज वो नैतिकता बखार रहे हैं, कहे कि आप मुझे मत दीजिए विज्ञापन का पैसा, इस 600 करोड़ से ऑक्सीजन प्लांट लगा लीजिए, क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने आपको कहा कि अगर एक दिन में चंडीगढ़ में लग सकता है प्लांट तो आपका 3 महीने में क्यों नहीं लग रहा प्लांट? पर इसको गायब किया, आप देखेंगे कि चैनल्स पे जो टिकर क्या चला, हाईकोर्ट ने कहा फांसी पर टांग दूंगा, हाईकोर्ट के सारे फैसले गायब कर दिए, सारी टिप्पणियां गायब कर दी, ये इतने धूर्त हैं। मैं न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका से ज्यादा खतरनाक इस मीडिया को मानता हूं, ये मीडिया भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं प्रिंट से आता हूँ शुरू से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद इसने गंद इतना मचाया है कि भारत की जनता को गुमराह करने का मेन टूल बन गई। ये अलग बात है कि अब सोशल मीडिया के कारण इनकी दुकान चल नहीं पा रही, इसलिए बहुत प्लानिंग के साथ इन्होंने काटा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो उतने ही साथी रहे, चतुर हैं आप कहें, उन्होंने भी सही इस जगह इस्तेमाल किया कि आपने ये प्रोटोकॉल का, और उसके कारण ये एक्सपोज हुआ, माफी मांगने लगा, हड़बड़ा गया, और उससे एक मैसेज जो ये देना चाह रहा था वो नहीं दे पाया, परंतु उठाईगीर अजीत अंजुम जैसे, विनोद कापरी जैसे उठाईगीर अभी भी लगे हुए हैं कि प्रोटोकॉल भंग करना जरूरी था। तो अजीत अंजुम को पूछा जाना चाहिए कि उसके जो, या इन लोगों से पूछा जाना चाहिए इनके चैनलों के अंदर जो हरम बने हुए थे
उसके भी प्रोटोकॉल भंग किया जाए, लोग बताएं बाहर। अब देखिए आपसे तो लोग पूछ रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं जरूर बताइए, अब हम लोग इतना खोल के कैसे बताएंगे कि भाई श्रीलंका में क्या क्या हुआ, सुसु पत्रकारिता की नींव श्रीलंका में कैसे पड़ी। तो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं की जाती है, कभी यदि किताब लिखने का हुआ और आप नहीं, ही इस चीज को लिख सकते हैं। लिखा हूँ इंडिया स्पीक्स डेली में जाए और एक सांप सपेड़ा और नागिन की कहानी पढ़ लें, समझ में आ जाएगी। बिल्कुल संदीप ने उन्होंने लिखा है सांप सपेरा और नागिन की कहानी। तो जो साथी जिज्ञासा रख रहे थे कि श्रीलंका में, चूंकि हम लोगों ने कभी जिक्र किया हुआ था कि कैसे श्रीलंका में सुसु पत्रकारिता की नींव पड़ी थी और कैसे बेचारा फंस गया था, क्योंकि ये जो कहता ना सपेरा जो है वो हर जगह बजाता था, जो आप कह रहे हैं कि न्यूज चैनलों में जो हरम चल रहा था। मुझे लगता है कि कई बार हमारे पत्रकार साथी कहते हैं कि मनीष इन अंदर की बातें क्यों बताते हैं, ये बताना जरूरी है कि कैसे राक्षसों की टोली ने इस न्यूज चैनलों को हरम बना करके रखा, श्रीलंका में जा जाकर इन लोगों ने सुसु पत्रकारिता को इजाद किया, और ये लोग नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं संदीप, कमाल की बात है। देखिए एक लोगों को बताइए कि रजत शर्मा के चैनल में महिला पत्रकार सुसाइड कर चुकी है। सुसाइड, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इस नशे में कोई ना पड़े कि फलाना राष्ट्रवादी है, ये कोई वादी नहीं होते हैं, ये सब टुकड़े पे पलने वाले लोग हैं, ये सब क्यों नहीं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इन सब में यदि औकात है, इन्हें यदि चिंता है कि ये कह रहे हैं कि आज के डेट में ऐसे बोला जाना चाहिए, तो इन संपादकों को कहना चाहिए केजरी तुम ये टुकड़े जो है अपने घर में रखो, हमें ये ऐड नहीं चाहिए 4 महीना जब तक देश के हालात नहीं सुधरेंगे। ये टुकड़े पे यही कारण है कि बड़े बड़े संपादक, ये पूछता है भारत टाइप का भी संपादक जो है उसके भी केजरी के प्रवक्ताओं के सामने में मुंह बंद क्यों हो जाते हैं, उसके बोल क्यों कमजोर पड़ जाते हैं, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने संदीप ये मुहिम चलाई कि जनता की पत्रकारिता होनी चाहिए, जनता जिसे पसंद करेगी, संदीप देव को यदि जनता पसंद करेगी तो संदीप देव अपना YouTube चैनल चला पाएंगे, अपनी पत्रकारिता कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये सत्ता चाहे किसी भी पार्टी की हो, उनके टुकड़े पे पलने वाली पत्रकारिता का खत्मा होना चाहिए। संदीप ऐसे पत्रकारों का क्या कहा जाए जिसने जीवन भर तो संपादकीय किया, पत्र रिपोर्टिंग को जो है आप और हमने फील्ड की रिपोर्टिंग की, पूरी जिंदगी हम संपादक नहीं रहे, अपना ही चैनल चलाया तो संपादक बन पाए संभवतः। आपके बेटे अक्षर कहा करते थे तुम्हें किसी ने संपादक नहीं बनाया तो तुम खुद ही जो है टीवी चैनल खोल लिया और एक ग्रुप का एडिटर बन गए, तो अच्छी बात तो कहा उसने। लेकिन ऐसे लोग जिसने अपमानजनक समझा के रिपोर्टिंग करना, आज ऐसे संपादक यदि उनकी औकात होती तो विश्लेषण करते, बौद्धिक क्षमता होती, कहा करता था कि टीवी में पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। ऐसे संपादक जिसने जीवन भर किसी कांग्रेस नेता की पूंछ पकड़ के एडिटिंग की, एडिटर बना, वो सड़क पे कभी ममता बनर्जी के लिए लोटपोट हो रहा है, कभी तेजस्वी के लिए, इसके क्या मायने हैं, इसे कैसे देखा जाए। देखिए ये 2007 से एक ट्रेंड शुरू आने दिखने लगा था कि धीरे धीरे ये टेलीविजन की पत्रकारिता या पत्रकारों का जो एकाधिकार है सूचना तंत्र पे वो अब धड़कने वाला है। 2009 में और क्लियर हो गया। मुझे आप देखेंगे कि मेरा फेसबुक से लेके और ट्विटर तक जितने अकाउंट हैं सब 2009 के बने हुए हैं, और 9 में मैं वेब ले आया था। मेरा एडिटर आलोक मेहता जी ने कहा कि ये क्या करने जा रहे हो तुम, मैंने कहा भविष्य की पत्रकारिता को भांप लिया मैंने, वही करने जा रहा हूँ। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, बेकार की समय अपना बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने कहा सर होगा, समय बदलने जा रहा है। तो फिर मैंने उसको शुरू किया। 2009 से दिखने लगा था कि इनकी जड़ें उखड़ जाएगी। असल में होता क्या था कि ये वन वे ट्रैफिक की तरह चलते थे कि इन्होंने ज्ञान बांट दिए, जनता को ज्ञान मिला, यही उनकी पत्रकारिता है। जनता के लिए एक्सप्रेशन के माध्यम नहीं, एडिटर टू लेटर टू एडिटर होता था, वो भी तय होता था। मैं बता रहा हूं, मैं उदाहरण हूं कि मेरे एडिटर को ये पसंद नहीं आया कि ये लेटर छपना चाहिए, तो उन्होंने कहा इसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। तो जनता को डस्टबिन समझा जाता था, जनता के पास अपने कहने के अधिकार नहीं थे, बोलने वो सिर्फ सुनता था, एक तरफा सिर्फ सुनने का आदि था। सोशल मीडिया ने एक ताकत दी कि वो बोलने लगा, अपने विचार व्यक्त करने लगा, और उसने इस बात को ठुकरा दिया कि तुम ही ज्ञानी हो, तुम हर पत्रकार वो डिफेंस पे भी बोल रहा है और वो निर्मा साबुन भी बेच रहा है, वो सब कर रहा है, वो इतना ज्ञानी हो गया कि जिसका कोई हिसाब नहीं।
तो लोगों ने उसको रिजेक्ट करना शुरू किया, और ना सिर्फ जर्नलिज्म में, आप बॉलीवुड देखिए, उस समय उसके साथ लोगों के फोटो खिंचवाने का एक आनंद होता था अभिनेताओं के साथ, लेकिन जनता ने अब सवाल पूछने शुरू किए। और ये जनता, इसलिए मैं सोशल मीडिया को जन पत्रकारिता कहता हूँ, जनता को जो ये अधिकार मिला उससे ये डर गए, पर इनको उनको ये था कि इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 जो 14 आया, 14 के समय सोशल मीडिया खासकर सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे हावी होने लगा, और ये 2011 से मैं कहूंगा, 14 भी नहीं, मोदी के आने से पहले इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल किया सत्ता के लिए दुनिया में 2008 में बराक ओबामा ने, और 2011 में अरविंद केजरीवाल ने, तीसरे नंबर पे मोदी आते हैं, पहला बराक ओबामा आता है जिसने पॉलिटिक्स के लिए सोशल मीडिया का बेहतरीन उपयोग किया, दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल आता है जिसने आंदोलन के लिए सोशल मीडिया का अपनी सत्ता के लिए बेहतरीन इस्तेमाल, वो 2011 है, और नरेंद्र मोदी का दौर आता है 2012 के चुनाव जीतने, 12 में जब वो गुजरात को चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद आपको मैं आज एक अंदरूनी वार रूम की जानकारी देता हूँ, केजरीवाल जब आगे बढ़े उस समय की बात है, नरेंद्र मोदी भी थोड़े भय हो गए, उनको मालूम था कि 12 में कि ये खेल हो रहा है मोदी को घेरने के लिए, तो उस समय आपको बताऊं कि ना उस गुजरात विधानसभा की नई बिल्डिंग बनाई गई, उस पे सवाल मीडिया ने उठाया, जैसे आज ये इनके पर उठाता है कि संसद का भवन क्यों बनाया गया इस तरह से, तो केजरीवाल कह रहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा जी, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा जी, और वहां मीडिया जोड़ के दिखा रही थी कि गुजरात में नया विधानसभा भवन इतना करोड़, आज भी आप देख रहे होंगे कि गैस की नहीं सरदार पटेल की मूर्ति 3000 करोड़, ये वो वही ट्रेंड है, यही ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल वही। तो मोदी जी ने किसी से कहा, जिन्होंने मुझे बताया, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब ये राजनीति ऐसी चलेगी क्या, इस राजनीति में हम फंसेंगे क्या, ये इस तरह की राजनीति, मतलब उनको भी लगा ये क्या राजनीति हो रही है, उनको क्या पता था कि ये भ्रम जाल है। तो जब मैंने केजरीवाल को एक्सपोज किया उस किताब, और वो पहला एक्सपोजर था नरेंद्र मोदी वाली किताब में, तो मुझे मोदी जी हो, अशोक सिंगल हो, मोहन भागवत हो, इन लोगों ने कहा कि पहली बार केजरीवाल क्या है ये जानने को मिला, पता नहीं चल रहा था ये क्या है, ये पहली बार उन्होंने अपने मुंह से कहा कि पता नहीं चल रहा था केजरीवाल क्या है, जानने को मिला ये चीज क्या है, तो ऐसी राजनीति करेंगे क्या, ये शुरू से छल छद भ्रम की राजनीति कर रहा था, और इसका पूरा पार्टनरशिप मीडिया के साथ, इसलिए मैंने कहा कि आंदोलन से पहले शुरू हुआ इसका वो दौर, और जीटीवी की इसमें बड़ी भूमिका थी सुभाष चंद्रा की, आपको किसी को भरोसा ना हो तो मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि उल्टा जीटीवी से एक मनीष सिसोदिया उपलब्ध भी कराया गया था, टाइम्स ग्रुप की बड़ी भूमिका थी उस जमाने में, इसने फंड की व्यवस्था की, सत्ता में नहीं था तब, आप सोच के देखिए उस जमाने में, और उस जमाने में ये फंड कहाँ से आए थे, रमन मैग्सेसे के बाद इसके, आपको ये समझना होगा, ये सोनिया गांधी के एनएसी के हैंडल हो रहा था सब कुछ, ये अहमदाबाद नहीं है बेचारे, मुझे क्षमा करें, अहमद भाई पटेल के वार रूम से सब तय हो रहा था कि कैसे होगा, और अरुणा राय इसको तय कर रही थी सबको कि कैसे। तो ये मीडिया इतना धोखेबाज है कि आपको बहुत सारे लोगों को होता होगा कि ये मीडिया राष्ट्रवादी है, नहीं, मीडिया कई लोग कहते हैं आप लोग चैनल नहीं क्यों नहीं खोलते, आप भरोसा कीजिए चैनल खोलूंगा तो मैं भी बेईमान हो जाऊंगा, क्योंकि चैनल को चलाने के लिए जो 150-200 करोड़ है वो कहाँ से लाऊंगा मैं, उस चलाने के लिए बेईमानी दलदल में गिरना पड़ेगा, और दलदल में गिर के आप जो किसी को कहेंगे राष्ट्रवादी है, ना कोई नहीं है, कोई नहीं है जर्नलिस्ट में, कोई नहीं है, क्योंकि राष्ट्र पैसे नहीं देता, राष्ट्र तोड़ना पैसे देता है, राष्ट्र कोई बड़ी लाइन कही आपने, राष्ट्र तोड़ना पैसा देता है, हाँ वो मेरी कहानी कमिस्टर की प्रथम पहला चैप्टर ही है, राष्ट्र आपको पैसा नहीं देगा, तो राष्ट्र तोड़ने के लिए आपकी शक्तियां हैं वो आपको फोर्स करती है, पैसा देती है। अभी आप कहोगे कि चैनल कुछ राष्ट्रवादी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका व्यूअरशिप उससे बढ़ता है, आपकी ताकत आपकी संख्या में, वो जो व्यूअरशिप है उस कारण वो राष्ट्र राष्ट्र करना पड़ता है, वरना आप तय मानिएगा राष्ट्र जैसे इन चैनल के बैठक में चले जाइए, पत्रकारों से मिल लीजिए, वहां राष्ट्र जैसी कोई अवधारणा नहीं है, कोई फूल नहीं है जो आपको लगता होगा, सब कुछ पैसे तय करता है बाहर से। अब आपको बताऊं,
आप कहोगे कि राष्ट्र, अब आप कहिए कि ये तो संघ से आए, चलो संघ के एक संस्कार है। रजत शर्मा, मैं बड़ा साफ साफ बोलता हूँ, रजत शर्मा अरुण जेटली जी उनके मित्र रहे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब बाहर से 45 करोड़, जहां मोटा मोटा मुझे अनुमान है ये टैक्स हेवन देशों से 45 करोड़ रुपए ये जांच में आ चुका है, इन पर जांच चल चुकी है, 45 करोड़ काले धन जांच चल चुका है इन पर। ये टेलीविजन में जब अपना आए, और जो अभी इनकी पत्नी है, मैंने पूरी मीडिया सीरीज किया है, रितु रितु नाम है सर, रितु सर क्या नाम है, तो उनका एक अधिकार पूरा जीटीवी पे, वो बॉस बन के बैठती थी, और जब वो जीटीवी से हटे तो अपना एक ये जो अपना चैनल का वो कंपनी बनाया बिना कुछ किए, दूरदर्शन से 55 लाख रुपया इनको मिलता था महीने का। अरे 55 लाख मुझे भी दो ना, मैं बड़ा पत्र चैनल सेट कर देता हूँ अभी, कर देता हूँ। कहानी है इन सब की, इन सब की सारी चीजें। और आपको कोई कहेगा कि चावल बेचकर बड़ा हो गया, हम एक कमरे में 8 लोग सोते थे, बड़े हो गए। राघव बहल अभी तक वो स्कूटर लिए बैठा है कि हम स्कूटर से इतने बड़े मीडिया टाइकून बन गए। भैया वो ईडी के रडार पर है, ब्लैक मनी का धंधा करता था, ब्लैक मनी वो तो जांच आ चुकी है। हम भी स्कूटर चलाते चलाते बड़े क्यों नहीं हो पा रहे? ये जो तामझाम किया गया स्टोरीज, और इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोगों को, आप कहेंगे कि आप क्यों कहते हो, आप उनकी लिखी उनके द्वारा ही बायोग्राफी पढ़ें, आप उस तह तक पहुंच जाएंगे अगर आपकी क्षमता है न्यूज वाली, कि आदमी कितने घालमेल करने वाले लोग थे। और इसीलिए इन लोगों को आज 600 करोड़ रुपए नहीं छूट रहा, और वो आपकी ऑक्सीजन के लिए जो कोहराम वहां पर शम्स ताहिर खान मचा रहा है, वो अपने मालिक से कहे कि हम अपने चैनल पे कुछ दिन केजरीवाल का पैसा नहीं चलाएंगे, उस पैसे से कहेंगे ऑक्सीजन लाने के लिए। पर वो नाटक कर रहा है कि गंगाराम पे खड़ा हो जाएगा और जयपुर गोल्डन के बारे में बताएगा, वो दिल्ली सरकार के अधीन आते हॉस्पिटल बदनाम मोदी को करेगा। क्यों? क्योंकि 600 करोड़ रुपए बदनाम करने के लिए मिले हैं, अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग के लिए मिले हैं सारे चैनलों को। तो ये खेल इतना बड़ा है जिसका आपको लोगों, अब जैसे आप आज कई लोग कह रहे हैं कि उसने अजीत अंजुम ने गाली दिया आलोक जी को, मैं आलोक जी के साथ काम किया हूं ना, कड़ागरा अजीत अंजुम ने नौकरी के लिए आलोक मेहता के सामने, अपनी बीवी गीताश्री की नौकरी के लिए ना कड़ागरा उसने, गीताश्री को नौकरी आलोक मेहता ने दिया है। ये बेशरम, इतने बेशरम आंखों में पानी नहीं है इनके, गीताश्री की नौकरी के लिए ना कड़ागरा अजीत अंजुम ने। ये आज आशुतोष आपको ये बहुत बड़ा बन रहा है, राजेंद्र यादव का हंस आता था मैगजीन, उसमें मीडिया विशेषांक आया था, ये जो अपने साथ की लड़कियों को कहता था साथ के एंकरों के लिए कि आज रात में ये देगी क्या, आज रात में ये करेगी क्या, ये आशुतोष आज नैतिकता बांट रहा है। ये जूते खाने लायक लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, जूते खाने लायक। जनता इनको राजदीप को जैसे मेडिसिन स्क्वायर में दौड़ाई थी, इनके सच पता चल जाए तो जनता इनके शर्ट फाड़ देगी, दौड़ा देगी। इतने घटिया लोग हैं ये, इनके साथ आप अपनी पत्नी के साथ मिल नहीं सकते। आरोप लगा जनसत्ता के पूर्व एडिटर ओम थानवी पे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दूसरे की बीवी छेड़ रहा था दारू पी के, ताचार थप्पड़ खा गया। ये इतने घटिया लोग हैं ये, और आज देखिए ये सबके सब एक साथ कूद गए। ये सनसनीबाज ने जो ट्वीट किया, ये जिंदगी भर ये संपादक रहा राजीव शुक्ला की पूंछ पकड़ करके, और ये सब कभी किसान आंदोलन में दूध मलाई चट करने के लिए पहुंच जाता है, कभी तेजस्वी यादव की महिमा मंडन के लिए अखबार बेचता है, कभी बंगाल पहुंच जाता है, जिसने जीवन में रिपोर्टिंग नहीं की, ये सब इस रूप में उठाई गिरी में। और आज देखिए कि जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं सब आलोक, मैं ये नहीं कह रहा कि आलोक मेहता कितना दूध के धुले हैं, मैं कोई गारंटी लेने वाला नहीं होता कि आलोक मेहता बहुत कितने अच्छे हैं क्या है, लेकिन सवाल ये है जिस आलोक मेहता ने इनकी जिंदगी बनाई है, बिल्कुल दूध के धुले तो कोई नहीं है, लेकिन आलोक मेहता जिस अपार्टमेंट में रहते हैं छोटे से में, और अजीत अंजुम के पास मेरी जानकारी में 5 बड़े मकान है, कहां से आए इसके पास? इनकम टैक्स का रेड होना चाहिए इन सब के खिलाफ। आलोक मेहता भारत के पहले एडिटर हैं सबसे कम उम्र के, आज उनके पास मजबूर बिहार में जाइए, सोसाइटी उन लोगों ने बनवाई थी पत्रकारिता के लिए, और उसमें सबसे पीछे का एक कोठरी उनको सोसाइटी मिला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईमानदार, उन्होंने कहा आज आप इनकी भैया, उनके तो आलोक मेहता के रिश्ते मुलायम से भी रहे, लालू से भी रहे, सोनिया से भी रहे, वाजपेयी से भी रहे, मोदी से भी है, मनमोहन सिंह से भी है,
उनका तो सबसे रिश्ता रहा, कोई आज थोड़े उनका रिश्ता किसी मोदी से हो गया है। मुझे याद है मैं लेट हो गया, राष्ट्रपति भवन की बात है, प्रोग्राम कवर करने जा रहा था मैं और अंदर प्रोग्राम था तो मैं थोड़ा लेट हो गया, और राष्ट्रपति भवन में आप आधे घंटे पहले नहीं पहुंचेंगे तो आप नहीं एंट्री कर सकते। मैं प्रोग्राम चल रहा था, मैं पहुंचा दौड़ता हुआ तो एंट्री नहीं, मैंने कहा कि मैं नई दुनिया से हूँ, आलोक मेहता जी के अखबार से, अरे जाओ जाओ जाओ, बिना चेक किए राष्ट्रपति भवन में, प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति। तो ये, और ये जो बोल रहा है कि इनको पद्मश्री कैसे मिला, बता देता हूँ, पद्मश्री सरकार की ओर से नहीं मिला था, प्रतिभा पाटिल ने रिकमेंड किया था। ये राजदीप सरदेसाई विनोद दुआ बरखा की तरह सरकार की चापलूसी पे नहीं मिला था, वो प्रतिभा पाटिल ने रिकमेंड किया था, राष्ट्रपति के उससे मिला था उनको। तो ये जो बोल रहे हैं, अरे आलोक मेहता इतने खराब थे तो सीधी सी बात है, अपनी बीवी के लिए तुम वहां नाक क्यों रगड़ रहे थे, सीधी सी बात। बिल्कुल सही बात है ये न लो, और इनका इन सबको एक्सपोज किया जाना चाहिए, इन सब का सच आना चाहिए शाही। और मुझे तो लगता है कि सरकार को ये जांच करनी चाहिए कि कैसे किसान आंदोलन को लेकर के ये यूट्यूबर्स कुछ पत्रकारों ने अपने यूट्यूब को बढ़ाने के लिए इन सब ने क्या कुछ खेला है। अब तो हमारे और आपके कुछ बीच के कुछ पत्रकारों ने ट्वीट करके ये भी बताना शुरू कर दिया एक संदीप कि कैसे मीडिया की ब्रीफिंग जब यदि कोई किसान नेता सो कॉल करता है तो ये सनसनीबाजों की टोली कैसे पहले उस किसान नेता को ब्रीफ करता था कि कैसे आएगा, मीडिया यदि कोई सवाल करे तो ये डांटता था चिरकुटों का टोली, और ये सब सामने आते हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज जब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को फटकारा है तो ये सबके सब चुप है एक, और कल तक एक चीज समझने की कोशिश हम लोग एक दूसरे के माध्यम से जनता तक की बात पहुंचे। संदीप ऐसे कैसे होता है कि ममता बनर्जी तो खैरात दिल्ली के जो लुटियन के पत्रकार हैं उनको बांट नहीं रही हैं, तो ये सब के सब ममता बनर्जी के लिए आज क्यों हैं, केजरीवाल के लिए क्यों हैं? ये हर हाल में ये जो चिरकुट हमारे और आपके बीच के जो दो दो कौड़ी के चिरकुट जो पत्रकार हैं उन सब का जो है एक विचार कि हमारे और आपके बीच के साथी लिखते हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आज जो है राष्ट्रवादी पत्रकार बनने चले हैं ये, इनकी इनके कम से कम ऑक्सीजन के लिए तो बोलें, ऐसे में लगता है बड़ा नैतिक है ये, इनके बारे में लगता है कि बड़ा नैतिक है, बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं सचमुच, मोदी जी ने कुछ किया नहीं, ऑक्सीजन तो उठा रहे हैं, मगर अब पोल ये कल तक ये खुल कह रहे थे कि पीएम केयर्स का पैसा क्या हुआ, अच्छा हुआ मोदी के बोलने से बेहतर हुआ कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि पीएम केयर्स का पैसा केजरीवाल के पास गया था, 8 प्लांट लगाने थे 1 लगाया। देखिए आपको बताऊं कि ये झूठ बोलने में माहिर हैं, ये लोग बहुत ज्यादा माहिर हैं, और आज जब हाईकोर्ट ने कह दिया, आज मैंने तो जब अब दोपहर में जब लाइव किया था कि अंधे समर्थक हम लोगों को अंधा कहता है, अरे कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, नकली दस्तावेज दिखा रहा है। हाई कोर्ट में पेश किया गया दस्तावेज कि पीएम केयर फंड से, और हर स्टेट की लिस्ट है, तो दिल्ली में 8 लगाने थे इनको, लेकिन इन्होंने लगाए हैं 1 बुराड़ी में, वो भी चल रहा है या नहीं ये भी जानने की बात है। एक कहता है तो दिल्ली में तो लैंड जो है उसके पास है, केंद्र के पास लैंड कहां दिया, ऐसे मूर्ख आपको इरिटेट कर देंगे, ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल में लग जाता है, ऐसे ऐसे इरिटेट है ये पूरा। आपको और बताऊं सोशल मीडिया पे 7 रुपए से लेकर, और एक बड़ी पत्रकार है वो 2000 रुपए पर ट्वीट लेती है, मिनिमम रेट है 7 मिनिमम, लेकिन उससे जो नौसिखिए हैं उनका भी 50, उसके बाद रीट्वीटिंग का 50 पैसे होता है। ध्यान से लोग सुन ले, जो आज सबके नाना एक साथ मर जाते हैं, सबकी माँ एक साथ मर जाती है, सबका बच्चा विधवा हो जाता है, उसके पैसे का रेट है भाई साहब सब 50 पैसे रिट्वीटिंग का है, 7 रुपए प्राइम शुरुआत के 100 या 200 ट्वीट के हैं, 2000 पर ट्वीट लिया एक पत्रकार ने कठुआ केस को 3 महीने बाद फिर से जिंदा करने के लिए 2000 रुपए पर ट्वीट। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पढ़ा चुका हूँ, इस सारे गोरख धंधों को तो बड़े नजदीक से देखा हुआ है, तो ये इनकी कारस्तानी रही है, ये इस तरह के लोग रहे हैं। आज ये कह रहे हैं बहुत नैतिकता की बात, आप पूछिए एक दिन अगर लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, अजीत अंजुम को इस दौरान 10 दिन बेड कैसे मिल गया, कैसे मिला, कैसे तुम्हें 10 दिन बेड मिला इस कोरोना काल में बताओ, कहां से तुम्हारे 3-3, 5-5 बंगले हैं, आलोक मेहता के पास तो नहीं है, तुम्हारे पास कहां से आए बताओ,
क्यों तुम राजेंद्र यादव को मारने पहुंच गए थे अपनी बीवी के लिए, बताओ? क्यों आलोक मेहता के आगे नाक रगड़ते रहे थे अपनी बीवी को नौकरी दिलाने के लिए, बताओ? राजीव शुक्ला का क्या उठाया था तुमने जो तुमको ढोता रहा, बताओ? सीधी बात है, मैं तो ऐसे पत्रकारिता क्या किया इसने? इसकी पूरी जिंदगी की उपलब्धि यही है कि ये राजीव शुक्ला का लटकन रहा, इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। और ऐसे लोग नैतिकता की बातें करते हैं, सालों तक ये आदमी संपादक रहा, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाता है कि जो आदमी जीवन भर संपादक रहा, उस आदमी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बंगाल की सड़कों पर इस कोरोना काल में लौट रहा है, कोरोना लेकर के दिल्ली आ गया, पता नहीं कितनों को फैलाया होगा। बंगाल वाला क्वेश्चन मिस कर दिया, एक आपको बता रहा हूँ, अंदरूनी आपको बात है, मैं चैनल का भी नाम नहीं लूंगा, पर उस चैनल का आपको जो है शेयर देखना चाहिए, उसमें बंगाल के बहुत बड़े इंडस्ट्रीस्ट ने पैसा लगाया है। अब आपको एक उदाहरण, आपने कहा कि बंगाल के लिए क्यों ये लोग कर रहे हैं, तो आपको फिर मैं ले चलूंगा 2011 में जब 2G स्पेक्ट्रम का और कोयला का पैसा, जो ब्लैक पैसा था, वो पैसा कहाँ पार्क किया जाए, तो इसके लिए सबसे सुरक्षित जगह लगा था मीडिया, और केजरीवाल को क्यों प्रमोट किया गया बता रहा हूँ। और इसके लिए UPA सरकार ने बैठक की, उसमें कहा गया सारे मीडिया को कि आपके यहाँ आपके जो शेयर्स हैं आप में निवेश आएगा और आपको कवर करना है केजरीवाल के आंदोलन। कोयला घोटाला में फंसे हुए थे बिड़ला, जिन पर आरोप लगा कि मनमोहन सिंह के साथ बैठ के, मनमोहन सिंह और सामने वो बैठे चाय पी रहे थे और मनमोहन सिंह ने सामने फाइल सिग्नेचर किए सोनिया गांधी के कहने पर, आरोप लगा। उस बिरला ने अपने कोयला घोटाले का पैसा पार्क किया टुडे ग्रुप में, 27% शेयर खरीदे, सबसे ज्यादा उस समय, आज तक जो है कवर, पुण्य प्रसून को घमंड है एडिटर का, नौकर बना के उसके पीछे आज तक ने लगा दिया था उसको। उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम में फंसा हुए थे अनिल अंबानी, 2G स्पेक्ट्रम का बड़ा शोर मचा हुआ था, तो उसमें अनिल अंबानी ने 13% शेयर पैसे पार्क किए टुडे ग्रुप में। तो मैं आपको बता रहा हूं, और इस समय आपको इस चैनल का शेयर, आपको किसी भी चैनल को समझना हो, कॉर्पोरेट समझना हो, आप उनके शेयर कौन लोग खरीद रहे हैं देखिए। कलकत्ता के एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बस आप समझ लीजिए, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज का पैसा अभी पार्क हुआ है एक बड़े चैनल में, तो चैनल कलकत्ता के लिए तो रात दिन करेंगे। और आज जब उनके इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आ गई, आपने देखा होगा कि एकाएक जब प्रशांत किशोर वाला कांड हुआ, इंटरनल सर्वे आ गई, उसके बाद एक शोर मचा कि मोदी रैली क्यों कर रहे हैं कोरोना में, उसके बाद शोर मचा है। ममता बनर्जी क्यों कर रही, इस पे कोई सवाल नहीं है, मोदी रैली कर रहा है, लोगों को मार रहा है, ये शोर मचा। और आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि भाजपा बैकफुट पे चली गई, आज वो डिजिटल रैली कर रहे हैं, बैकफुट पे चली गई, वो अपने मकसद में कामयाब है, ठीक है। रैली का मैंने देखा कि प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज जो है वैसा नहीं था, इसीलिए यही प्रभाव होता है कि देखिए हरीश सालवे को सिर्फ ये कह देना कि चीफ जस्टिस के साथ वो क्लासमेट थे, तो इस ये वो बैकफुट पे आ गए। यही इन पंच मक्कारों का जो आप कहते हैं, यही इनका असली खेल है, यही इनका असली खेल है कि कैसे ही आप वो सत्ता के शीर्ष पे बैठे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उसको वो हिलाने की ताकत रखते हैं अपने सूर से। और आप देखिए वो रैली, क्योंकि उनको मालूम था चौथे फेज के बाद कि ममता साफ हो जाएगी, तो इसको जोर, क्योंकि वहां वोट जो पड़ रहे बंगाल में, एक बात है वो प्रशांत किशोर ने भी कहा, वो मोदी की लोकप्रियता पर वोट पड़ रहे हैं। आप देखिए, ठीक है कोविड, आप देखिए, आप कोई कहोगे क्या कोविड, आप ऐसी बातें कर रहे हो, क्या लोग नहीं मर रहे हैं। अभी को मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको ऐसे समझिए, कोविड का जो संक्रमण है, सुपर स्प्रेडर कौन राज्य बना है? कांग्रेस का राज्य महाराष्ट्र। सुपर स्प्रेडर कौन सा राज्य बना हुआ है? सेकेंड नंबर पर कांग्रेस का राज्य छत्तीसगढ़। सुपर स्प्रेडर कौन सा राज्य बना हुआ है? दिल्ली। बंगाल तो बना हुआ नहीं है, बंगाल की रैली पे आप आपत्ति कर रहे हो, फिर आप कहोगे कि प्रधानमंत्री है, हेल्थ सिस्टम है, बहुत अच्छा, हेल्थ राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है? एक केंद्र की भूमिका क्यों नहीं होनी चाहिए भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो, होनी चाहिए। केंद्र ने जनवरी में सबको भेज दिया कि सेकेंड लहर आने वाली है, आप
पंचायत में ना जाए, गांव तक ना पहुंचे, ये प्राइम मिनिस्टर अपनी भूमिका निभा चुके हैं, सारे स्टेट को कह चुके हैं। दो, दिसंबर में पीएम केयर का फंड जारी हो चुका है सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लाने का। प्राइम मिनिस्टर ने, केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका का पूरा निर्वहन कर दिया, राज्य उसको लागू नहीं करके कोरोना स्प्रेड कर रही है। एक साजिश इसलिए कि महाराष्ट्र में आप देखिए, आप महाराष्ट्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र में जब से कोरोना आया है, उद्धव एकदम नहीं संभाल पाया, पर साजिश देखिए, उद्धव नंबर वन मुख्यमंत्री, नंबर वन ध्यान देखिए उसको, और उसके लिए पीआर एजेंसी हायर किया गया बकायदा। जब उद्धव फंस गया सुशांत केस में, तो बकायदा रिया का रातों रात विमान से जाके इंटरव्यू किया जा रहा है। तो पूरा खेल आप समझिए, छत्तीसगढ़ कह रहा है मैं टीका नहीं लगाऊंगा, ये भाजपा का टीका है, स्प्रेड कर रहा है, पर उस पे कोई सवाल नहीं हो रहे। केजरीवाल टेढ़ी नाक वाला कह रहा है कि समाजवादी टीका आएगा तब लगवाएंगे हम। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी टीका लगवाएंगे। ये रोज टीका के विरुद्ध अफवाह फैलाता रहा राहुल गांधी। तो इन लोगों की जो पूरी रणनीति थी कि बंगाल में नहीं फैला, अगर बंगाल में रैली और इन सब से फैला होता तो मैं मानता, बंगाल में नहीं फैला, लेकिन बंगाल प्राइम मिनिस्टर को यहाँ घेर दो, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि वोट तो मोदी के नाम पे पड़ रहा है, इसको घेर दो, इस आदमी को उलझा दो, इस आदमी को, और इतना साउंड बाइट करो कि वो जो 7% वोटर होता है जो इधर से उधर हो जाता है, उस पर इम्पैक्ट डाल दे कि मोदी फेल है। इसीलिए आज मैं आपको टुडे ग्रुप का उस शम्स ताहिर खान, उसका पत्रकारिता में हर कोई नैतिकता जानता है, हर महिला औरत के बारे में उसके क्या विचार है सब जानते हैं, वो गंगाराम और उसका क्या नाम है जयपुर गोल्डन के बारे में कह रहा है कि केंद्र की जवाबदेही कैसे भाई। आपको आप देखिए हाईकोर्ट में अस्पताल दिल्ली का, वही ना, हाईकोर्ट में क्या कहा गया, हाईकोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट में पूरा ऑक्सीजन के वो पड़े हुए हैं, जो है दिल्ली सरकार को एयरलिफ्ट करा के इसके इनका टैंकर जाने थे, दिल्ली सरकार टैंकर उपलब्ध नहीं करा रही है, ये साजिश नहीं है क्या है? बिल्कुल, आज इसके लिए हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया है इसे कि तुम हर राज्य टैंकर की व्यवस्था कर लिया, तुम टैंकर की व्यवस्था भी नहीं कर पाए, टैंकर और इसके नहीं भेज रहा, केंद्र वहां देने के लिए तैयार बैठी है, रेलवे देने, लेकिन ये दे, तो ये साजिश ही तो कहूंगा, और क्या कहूंगा, लोगों को मारकर अपनी राजनीति करने की साजिश। और लोग दिल्ली वाले, मैं तो खुद दिल्ली से हूँ, आप भूल गए थे कि कम्युनिस्ट बिना खून लिए अपनी राजनीति नहीं करते, आपने फ्री बिजली पानी के चक्कर में एक कम्युनिस्ट को सत्ता सौंप दी। वेनेजुएला ने यही गलती की थी, वेनेजुएला में आज 1 लीटर दूध के लिए बोरा भर नोट लेके जाना पड़ता है। संदीप, एक आखिरी सवाल करके हम लोग ये करते हैं कि आखिर केजरी ये सब चीजें कर के लेते हैं, ये एक चीज, और दूसरा सवाल कि ये पंच मक्कारों की टीम योगी बाबा के राज में कुछ क्यों नहीं कर पाते, आपके राज में सब खेल हो पाता है, दिल्ली में, ये उत्तर प्रदेश में, इस उत्तर प्रदेश को तो कल के लिए कहा जाता था क्रिमिनल प्रदेश है, झेला है हमने, जब हम दिल्ली से निकलते थे और ऑफिस से गाड़ी के लेकर के जब नोएडा आते एंट्री करते थे तो लगता था कि डर का माहौल है, दिल्ली जाने समय में रात हो जाए कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन दिल्ली से रात में आने के समय में डर लगता, हालात बदल गए हैं, ऐसा क्यों, ये योगी राज्य में ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं ये चिरकुटों, ये राक्षसों के, अपनी बिरादरी के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये पत्रकारों के राक्षसों की जो टोली है ये योगी राज में क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं उदाहरण से समझाऊंगा। उदाहरण नंबर एक, अभिसार शर्मा, आरोप के मुताबिक जिसने धरती पर धान गेहूं का सबसे बड़ा विशेषज्ञ, ये भी बता दीजिए, गेहूं धान विशेषज्ञ, और जिसने अपनी पत्नी बीवी का इस्तेमाल किया, मैं सीधी सी बात कहूंगा, बुरा लगे किसी को मुझे माफ करें, क्योंकि पत्नी के यौन शोषण के मामले हाईकोर्ट में गए, तो इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कोर्ट में गया जी, कि अधिकारी को फंसाने के लिए पत्नी ने यौन शोषण के मामले, और हाईकोर्ट ने कहा उनकी बिल्डिंग उधर है तुम्हारी बिल्डिंग इधर है, किधर हो गया यौन शोषण, कौन से जगह आप मिले भाई। तो उदाहरण अभिसार शर्मा, देखो योगी और मोदी के कार्य में मैं, मोदी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, कहते हैं ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे मोदी लंबे, आप इसलिए आप देखोगे कि जो सीए मूवमेंट हुआ उस पर भी उन्होंने कहा झेलने दो इनको, झेलते झेलते मर जाए, किसान आंदोलन झेलते झेलते मर जाए, पत्रकार झेलते झेलते मर जाए,
योगी का तरीका है त्वरित एक्शन का। अब अभिसार शर्मा आप लोगों से झूठ बोलता है कि वो बड़ा क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण निकाला गया, नहीं, वो एक फेक न्यूज फैलाया उसने लखनऊ में, और ये सबसे पहले हमने इंडिया स्पीक डेली पे लिखा था उस जमाने में, जब क्या घटना है, लखनऊ में एक लड़की थी संस्कृति की हत्या हो गई। अभिसार शर्मा लगातार सोच चलाया कि संस्कृति का रेप करके मारा गया, तो लखनऊ में एक FIR दर्ज कराया संस्कृति के माता पिता ने, यूपी पुलिस ने कहा कि आप हुआ नहीं। तो उसमें क्या है, चैनल ABP न्यूज था, ABP न्यूज को नोटिस गया कि इसको जस्टिफाई कीजिए, सबूत दीजिए कि इसके साथ रेप हुआ। ABP न्यूज अब चैनल है, बचाना है तो चैनल तो बचाना नहीं है। मेरे पे कई केस हो चुके हैं, मेरे पे एक हिस्ट्री सिस्टर ने केस किया, तो चैनल जागरण ने हाथ खड़े किए कि रिपोर्टर है ये जवाब देगा, यही होता है। तो चैनल ने कहा कि भाई अभिसार शर्मा आप इसके प्रूफ दे दीजिए, अभिसार शर्मा के पास प्रूफ नहीं। तो अभिसार शर्मा ने पहले सबको फोन किया, जिसको फोन किया उसमें से दो लोग मेरे जानने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि यार कोई सबूत मिल जाए, कैसे भी हो जाए, नौकरी पे आई है, नहीं मिला। तो चैनल ने फिर कहा सबूत दीजिए, क्योंकि वहां पुलिस मांग रही है, नहीं तो एक्शन हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी फेक न्यूज फैलाने के लिए। तो अभिसार शर्मा, तो इनके पास एक तरीका होता है विक्टिम कार्ड, ये चैनल आप मोदी के हाथ बिक गए हो, आप योगी के हाथ बिक गए हो, कहा कि ये नौकरी से भाग, तो उसको नौकरी से भगा दिया गया। तो योगी ने एक्शन लिया फेक न्यूज पे, अभिसार शर्मा को भागना पड़ा। एक सिद्धार्थ वरदराजन ने, राजदीप सरदेसाई ने इस किसान आंदोलन में झूठ फैलाया, राजदीप सरदेसाई ने किसान को गोली मार दिया, पुलिस ने फैलाया, दिल्ली में अमित शाह रहे, मोदी रहे, स्टोरी भी की, ITO पे आके वीडियो इंटरव्यू भी किया राजदीप, और इसकी साजिश देखिएगा कि राजदीप एंकर है, रिपोर्टर नहीं है, हमेशा रिपोर्टर को पता चलेगा अगर वहां कोई गोलीकांड हुआ है। राजदीप पहले से वहां मौजूद था, यानी प्री प्लान्ड वे में उसको भेजा गया था कि वहां पे आपको ये हंगामा करना है, एंकर कभी नहीं जाएगा, मैं एज ए रिपोर्टर दावा कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही, पहले से उसको भेजा गया था कि यहाँ ये कांड होगा, और इसको एंकर हमेशा प्री प्लान स्टोरी पे जाता है, एंकर एक बनाए हुए स्टोरी पे जाता है, रिपोर्टर कितना रेगुलर खबर पे नहीं जाता, ये थोड़ा इसको साफ हो जाए, बताएं आप, और सोर्स भी रिपोर्टर के होते हैं, एंकर का कोई सोर्स नहीं होता, इसलिए रीना चक्रवर्ती का अगर वो इंटरव्यू कर रहा है राजदीप, तो ये PR एक्सरसाइज है, एंकर के साथ PR एजेंसी जुड़ी होती है, रिपोर्टर के साथ, ये अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि एंकर हमेशा चैनल की PR स्टोरी करने जाता है, कोई भी, वो आपको राजदीप आदि रजत शर्मा पत्रकार नहीं है, वो प्रस्तोता है, एंकर है, वो पत्रकार, बिल्कुल बिल्कुल, रवीश कुमार कभी भी रिपोर्टर नहीं रहा, वो एंकर है। तो अब क्या हुआ कि राजदीप के खिलाफ बाबाजी महाराज, योगी महाराज ने केस कर दिया, जिसके कारण डर के मारे उसको इंडिया टुडे से कुछ दिन हटाना पड़ा। वायर का फेक न्यूज, बाबाजी ने केस कर दिया। अब कुछ दुमछल्ला केजरीवाल जैसे कल किया प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसी तरह का वो किया दुमछल्ला, उसी की पार्टी का सोमनाथ भारती, बाबाजी ने जेल में ठूस दिया सोमनाथ भारती और संजय सिंह भाग गया वहां से, कोई काम मतलब आप देख रहे हो यूपी नहीं बोल रहा। तो आप जो कह रहे हो क्योंकि बाबाजी ने साइज, और बाबाजी को ये कहां से आया, गुण कहां से आया, बाबाजी नाथ पंथ से है, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री बता देता हूँ, लिखी है बाबाजी पे किताब लिखी है पूरे नाग पंथ का, वो विस्तार से आपने बताया उस किताब में, बताया है मैंने राज्य, और वो किताब फिर से दोबारा पब्लिश होने वाली है। तो बाबा जी के, योगी महाराज जी के, उनको महाराज जी कहा जाता है, बाबा जी मैं तो किताब आपकी देख रहा था, योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु थे महंत दिग्विजय नाथ, उस जमाने की बात कह रहा हूँ, महंत दिग्विजय नाथ पे आरोप लगाया कि नाथूराम गोडसे को जो रिवॉल्वर मिली गांधी की हत्या के लिए, वो दिग्विजय नाथ सिंह ने दिया, ये गोरक्षपीठ ने दिया, और इसको इलाहाबाद के अखबार ने छाप दिया। दिग्विजय नाथ जी ने उस जमाने में 1,00,000 रुपए मानहानि का केस कर दिया, अखबार तो बंद हो जाए भाई, 1,00,000, पांव पकड़ा, हाथ माफी मांगा और खंडन छापा। तो ये वहां से टोन आ रहा है नाथपंथ का, वो एक्शन लेने में भरोसा करते हैं, क्योंकि गोरखनाथ जी ने भी एक्शन लिया था। यहाँ है जाने दो छोड़ो, और जाने दो छोड़ो
शाहीन बाग बन जाता है, फिर शाहीन बाग दंगा बन जाता है, फिर 53 लोग मर जाते हैं, फिर वो किसान आंदोलन ये लाल किला चढ़ जाते हैं, वहां जाके हमारे देश का झंडा उतार लाते हैं, फिर उसके बाद ये लगातार आप देखेंगे झूठ का फैलाते हैं राजदीप को, और राजदीप पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर से इंडिया टुडे ने ले लिया, वरना डर के मारे इंडिया टुडे ने उसको निकाल दिया था। एक्शन होना बहुत जरूरी है, एक्शन नहीं होने पर इसलिए योगी के सामने इनकी राजनीति इनकी दाल नहीं कर पाती, क्योंकि वो जेल में ठूस देगा इनको, सीधी बात है वो ठूस देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसी स्टाइल में कुछ कुछ आप भी काम करते नजर आते हैं कि इन पंच मक्कारों के आपके साथ चल नहीं पाती। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से देखने से लग रहा है कि आप लोग बहुत पुराने मित्र हैं। तो पुराने मित्र सिर्फ लंबाई से नहीं होता, बहुत चीजों की गहराई से होता है जब आप एक जैसा सोचने लगते हैं। इसीलिए संदीप सबसे पहले आए और मुझे मनीष भाई कहते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनली सीनियर जूनियर हम लोग हैं, लेकिन कई मामले में संदीप मुझसे सीनियर है। उन्होंने नौकरी छोड़ने की पहली पहल की, उसके बाद मैंने की, वो प्रकाशक लेखक से प्रकाशक बन गए हैं, आप लेखक भी हैं, और कई सारे किताब लिखने के बाद संदीप ही मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। मैं स्वीकार करने मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लेखन के क्षेत्र में बढ़ रहा हूँ। संदीप आप खुद जवाब दीजिए मुझे, मेरा खून पीते हैं सब कि किताब कब आएगा। भाई साहब प्रकाशक काफी है, बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि किताब कब आ रहा है, कब तक मेरा खून पिएंगे ये लोग। ये पाठकों को पूरा अधिकार है, मैं उनको खून पीने वाला नहीं कहूंगा, मैं उनका स्नेह दुलार कहूंगा, क्योंकि वो लेखक प्रकाशक से वो चाहते हैं कि जल्दी। इसीलिए मैं आज खींच करके ले आया आपको कि मुझसे लोग पूछते हैं कि कब आएगा किताब। मैंने कहा चलो भैया मैं प्रकाशक को सीधे ले आता हूँ, आप प्रकाशक से सीधे पूछ लेना। तो आप बता दीजिए इन सबको। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो प्रकाशक लेखक और प्रकाशक जो है वो बनता ही अपने पाठकों के कारण है, और ये पाठकों का स्नेह है, दुलार है, वो चाहता है कि लेखक की पुस्तक जल्दी से जल्दी उसके हाथ में आए और वो उसको पढ़े। तो पाठकों से पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि देरी हुई, पर देरी लॉकडाउन की स्थिति है, पुस्तक छप के आ गई है, ट्रक का किराया लग रहा है और ट्रक वहाँ नोएडा में लगा हुआ है, नोएडा से दिल्ली आने में, क्योंकि दिल्ली ट्रक तो हमारे घर के बगल में, भिजवा दीजिए ट्रक आप मेरे घर के पास, हम वहीं से उठा करके यहीं पे साइन करके भेज। नहीं ना आप हैंडल नहीं कर पाएंगे ना, फिर उसका पूरा जो लोगों को भेजने का तरीका आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो पूरी टीम अलग काम करती है, वो मैं भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो वो दिल्ली में जो है सोमवार को लॉकडाउन खुलेगा, वो दिल्ली में एंट्री ले लेगी, और एक दिन आपको मनीष जी, क्योंकि प्री बुकिंग्स वाले के लिए मनीष जी से मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा मास्क लगा के 500 कॉपी पे कम से कम सिग्नेचर कर दे, पाठकों का स्नेह बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और फिर सबके पैकेट बने हुए हैं, बाकायदा पैकेट बना के उस पे उनके एड्रेस लगे हैं, किताब उसमें ऐसे अंदर डालना है, उसको सील करना है, तो आप सबको शीघ्र मिल जाएगा। ये संकट का काल चल रहा है आप जानते हो, तो लॉकडाउन में कम लेबर के साथ काम करना, उनको प्रिंटर्स को कम लेबर के साथ काम करना, प्रिंटिंग में दिक्कत आना, ये सब चीजें हो रही है, और उस चीजों को हम और आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में भी अगर हम लोग कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उसको उनको धन्यवाद मिलना चाहिए, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ोगे तो एक बार में पढ़ लोगे, पुस्तक तो आपके हाथ में जाएगी, एक एक व्यक्ति के हाथ में जाएगी, इसकी मेरी गारंटी है। सोमवार को बस लॉकडाउन खत्म हो और नोएडा से चलकर, प्रिंटर से चलकर जो पुस्तक है मेरे कार्यालय तक पहुंच जाए आपको, उसके बाद अगले मंगलवार से कोई सिग्नेचर कर देंगे और मंगलवार के शाम से सबको पुस्तक डिलीवरी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आपने इस चीज को क्लियर कर दिया, और खून पीना मेरा स्नेह की भाषा है मेरे लिए, मैंने इसीलिए कहा कि चूंकि सामने प्रकाशक को ला करके रख दूं, और प्रकाशक यदि खुद एक बेहतर लेखक हो, प्रकाशक यदि इस देश में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार पाया हो, तो प्रकाशक लेखक के दर्द को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक प्रकाशक हमेशा लेखक का शोषक होता है, तो संदीप मेरे शोषक तो नहीं होंगे ना आप, क्योंकि आप तो लेखक हैं, मुझे पूरा जोर कर दीजिए कि आप अक्सर मैं देखता हूं आपसे शिकायत करता हूं कि भाई ये बताओ संदीप देव कि लोग हमारे बिरादरी के लोग लिख देते हैं कि 8-8 किताब लिख दिया, मैं तो 5 साल से एक ही किताब लिख रहा हूं यार, जिसमें से 3-4 साल तो मेरा ऐसा भी था कि मैं खाली था। तो ऐसा कैसे हो जाता है संदीप कि आपके जैसे लोग बेस्ट सेलर हो जाते हैं और वैसे लोग जो सिर्फ गिफ्ट में देते थे, इन सब बीच से कैसे एक लेखक निकले, क्योंकि मेरे साथ हो सकता है कुछ लेखक भी हो तो आपके इस अनुभव को उससे वो लाभ उठा पाए। अब
आप ये मान लीजिए कि अखबार रोज छपता है और पुस्तक लिखने में समय लगता है, ये जो लोग लिख रहे हैं वो फर्रा लिखने वाली बात है। मैं आपको ये तो इंटरनल बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनल मुझे लगता है लोग नहीं समझ पाएंगे, पर एक बात मानिए कि किताब के रिसर्च में बहुत समय लगता है, बहुत समय। मैं 3 साल से नहीं लिख पा रहा हूँ और पुस्तक नहीं लिखने के कारण मेरे अंदर जो बेचैनी है वो इतनी बढ़ती जा रही है, खासकर कहानी कमिस्ट की पार्ट 2। लेकिन चूंकि ये सारा अब मेरी लड़ाई होगी ब्रूम से, सब मैं तो सबसे लड़ते लड़ते तो लड़ाई में ही इतना समय जाता है, फिर लड़ने के बाद मैं एक सिस्टम खड़ा करता हूँ, फिर लड़ता हूँ, फिर एक सिस्टम खड़ा करता हूँ, तो वो सिस्टम खड़ा करने में मुझे बहुत समय लगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ से थोड़ा सा दिल्ली से मैं सोच रहा हूँ निकलूंगा शांति के लिए, क्योंकि पुस्तक लिखना ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है ये पुस्तक लिखना। मुझे मालूम है कि मैं आपको एक वीडियो में आपको बाबा रामदेव कहते मिलेंगे कि ये परिव्राजक की जीवन जीता और इसने सन्यासी का जीवन, गृहस्थ सन्यासी, बाबा रामदेव वीडियो में बोलते हैं, आप देखोगे इंडिया स्पीक्स पे है। तो बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। और जो लोग लिखते हैं आप जानते हो कि रामचरितमानस जब तुलसी जी ने लिखा तो उनको लोगों ने याद रखा, रसखान उस खान की लिखी हुई को कौन याद रखता है। मेहनत जिसमें होगा प्रभु की कृपा भी वहीं बढ़ती है, जहां मेहनत नहीं है कटपेस्ट है तो प्रभु की कृपा कटपेस्ट के लिए नहीं हो सकती, वो तो अपनी योग माया में लीन है, वो जानते हैं कौन मेहनत कर रहा है कौन कटपेस्ट कर रहा है। बिल्कुल संदीप, पता ही नहीं चला हम लोग 1 घंटा 7 मिनट से बात करें से खत्म करें, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो बिल्कुल मस्त हो गए हैं। और हमने ये बात आखिर में इसीलिए रखा कि मैं अपने माध्यम से कहते हुए कि एक प्रकाशक के रूप में हमेशा प्रकाशक पे आरोप लगता है कि वो लेखक का शोषक रहा है, लेकिन संदीप बेहतरीन पत्रकार के साथ एक बेहतर लेखक भी रहे। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि एक परंपरा मुझे लगता है कि संभवतः शुरू हो पाए कि लेखकों को एक प्रकाशक के माध्यम से बेहतर अवसर मिल पाए और सही मायने में एक प्रेरणा मिल सके कि हाँ लोग लिख सके। क्योंकि मैंने पहली किताब लिखी है और जो पिछले मैं कहता हूं कि 4 साल से इस पे काम चल रहा है, बेहद एक बड़ा रिसर्च है, फिर सोच पाता हूं कि एक इतना वक्त लगा करके आदमी एक लिखता है और उसके बाद यदि वो सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य में रहता है कि गिनती की किताब के लिए, तो फिर वो क्या पाता है। इसीलिए मेरी भी प्लानिंग होगी, आपने हमेशा मुझे कहा कि मनीष भाई इस किताब के साथ पहले इस किताब की बेस्ट सेलर तक पहुंचाइए, उसके बाद दूसरी किताब के लिए सोचिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा तो मैं भी बेस्ट सेलर बन पाऊं। अमेज़न की तरह कपोत पर भी बेस्ट सेलर रैंकिंग ऑटोमेटिकली AI के थ्रू ऑलरेडी लगा दिया गया, उस पर भी इतने कॉस्ट खर्च किए गए हैं कि हर किताब खुद तय करेगी कि वो बेस्ट सेलर है नहीं है, और ये पाठक तय करेंगे जो जितनी सेल होगी उसकी क्राइटेरिया यही है कि जो जितनी सेल होगी वो बेस्ट सेलर, उस हिसाब से सेलर शब्द लगा हुआ है बेस्ट सेलर, जो जितनी सेल होगी। इसलिए मैंने किसी को भी अमेज़न की कमी महसूस नहीं होने देंगे हम e-commerce पर kapoot.in पर, और इसलिए मैंने वो सारी व्यवस्था की है। मैं फिर आगे जाके जो ऑथर्स को बेस्ट सेलर का अवार्ड भी दूंगा, और ये पंचमकारों ने अवार्ड की जो राजनीति की है उसको भी हमें ध्वस्त करना है। और फिर उसके बाद आपको बताऊं कि विमर्श का केंद्र भी पूरे देश में, मैं 1,000 शहरों में विमर्श का केंद्र भी बनाने जा रहा हूं। तो अभी बहुत सारी चीजें करनी है, ऑडियो बुक का फॉर्मेट ला रहा हूं, जो नहीं पढ़ पाते उनको ऑडियो में पूरी किताब सुन लें। तो बस लोग अपना स्नेह बनाए रखें तो 5 साल में इस पूरे इंडस्ट्री को हम बदल सकते हैं, पंचमकारों के गिरोह को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए पब्लिकेशन के थ्रू वो जो अपनी साजिश रचते हैं उसका तो ये मीडिया तो उसके सामने बहुत बौना है, वो पब्लिकेशन के थ्रू, क्योंकि 5 साल बाद भी वो झूठ निकल आता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे चाचा थे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद संदीप, आपने एक एक चीज को रखा सामने, और ये भरोसा भी कि किताब जो है क्या मेरी किताब कब तक आएगी, दूसरा ये भरोसा भी कि भविष्य में लेखकों को एक अवसर मिलेगा, और ये जो परंपरा रही है एक दूसरे ढंग से इसके टोली को, इन राक्षसों की टोली को हम सब मिल करके तोड़ पाएंगे, ऐसा संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मिलने का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे, लोगों को बहुत अच्छा लगा लगातार आपके आपके पाठक दर्शकों को कह दूं, काफी तो सेम ही पाठक दर्शक है, एक तो आप डरे नहीं कोरोना से, डर निकाल डर के को फूक मारिए, फूक मारने का एक्सरसाइज मैंने बताया था, 5-5 मिनट आपको फूक मारना है, डरिए बिल्कुल नहीं, एकदम मत डरिए,
घर में रहिए, दूसरा कि कुछ भी हो तो आप अपने गमला में कम से कम गिलोई को बोना वो लगाना सीखिए। वो गिलोई इतना कारगर है कि आज हमारे घर में 10 साल हो गए पैरासीटामोल किसी ने देखा नहीं है। आपको बुखार हो उसको थकुचिए, गर्म पानी में तुलसी के साथ उबालिए और उसको आप पी जाइए, 2 टाइम बुखार आपके एकदम नष्ट हो, ये अनुभव से बता रहा हूँ। तीसरा आपको कि एक अनुतेल आता है, वो अरंडी का तेल होता है, गांव में अरंडी होती है, वो पूरे आपके जो हीलिंग सिस्टम है इसको वहां से वायरस को फ्री कर देगा, तो वो कीजिए। और हर आदमी से मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि शाम को घर में जितने लोग हैं एक बार भाप जरूर लीजिए, विक्स डाल कर लीजिए अथवा आप नींबू का छिलका डाल कर लीजिए या संतरा का छिलका डाल कर लीजिए, भाप जरूर लीजिए सोने से पहले। आलस मत कीजिए, आलस आपको अस्पताल पहुंचा देगी, फिर कहोगे संदीप जी ने डरने को नहीं कहा था, लो जी अस्पताल पहुंच गए। और रात में सोते वक्त हल्दी दूध जरूर पीजिए, इतना ही आपको करना है, ये कोरोना चुमंतर हो जाएगा। बिल्कुल संदीप, आपने बहुत अच्छी बात कही, ये पूरा बाजार डर का है संदीप, पूरा सिस्टम हथियार की दलाली से लेकर के ये पूरा मेडिकल पेशा डर का है, और इसीलिए आपने डर पे एक बेहतरीन बात कह दी कि डर को, ये डर ही तो बेच रहे हैं पूरे मीडिया गिरोह का, आपने उसको बेहतर साफ किया। जाते जाते एक आखिरी सवाल अपर्णा जी की है, अपर्णा जी हमारे हम दोनों के कॉमन आप व्यूअर्स हैं और लगातार इन लोगों की मांग रही कि आप दोनों साप्ताहिक में एक साथ क्यों नहीं आते, तो हम आज वायदा करते हैं कि हर सप्ताह या तो हम संदीप जी के चैनल पे होंगे या संदीप हमारे चैनल पे होंगे, एक दिन ये आज एक एश्योरेंस, क्योंकि लगातार बहुत लोग चाहते हैं कि हम लोग एक साथ आए जरूर। आखिरी सवाल जो आपको छोड़ते जा रहे, एश्योरेंस मांग रही हैं अपर्णा जी की लेखक और प्रकाशक से कि हस्ताक्षर वाली पुस्तक मिलेगी, तो आपने एश्योरेंस तो दे ही दिया है, यदि हालात ठीक रहे तो मैं जरूर भेजूंगा। बहुत धन्यवाद, ये जो है आपको मिलेगी और प्रकाशक सोमवार को किताब ले आएगा और मंगलवार को लेखक से हस्ताक्षर करवाएगा। चलिए हालात ठीक रहे, स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक रहेंगे। अरे आप अपने गाड़ी चला के आओ, मास्क आप लगाओ, गाड़ी चला के आओ, सिग्नेचर करो और आप सब ठीक है, मैं घूम रहा हूँ, बताइए लोगों को क्यों डर। बहुत बहुत धन्यवाद, इस डर के धंधे में छेद कर देना है, ये खैरातियों का पंच मक्कारों के डर के इस धंधे में हम सबको मिलकर के छेद कर देना है और भारत को फिर से कोरोना मुक्त बनाना है। और राष्ट्र, जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात संदीप आपने कही कि राष्ट्र तोड़ने वाले कम आते हैं, तो उन राष्ट्र तोड़कों के षड्यंत्र में हम दोनों को मिलकर के छेद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार मिलते रहेंगे। संदीप देव जी के द इंडिया स्पीक डेली पे हम, या फिर यदि मनीष ठाकुर शो फिर से शुरू हुआ, इन पंच मक्कारों ने एक षड्यंत्र किया हुआ है, वरना द व्यूज मीडिया पर हम दोनों मिल करके लगातार इनके बिल्कुल संदीप। और आप ही, मैं इसके लिए भी आपको क्रेडिट देता हूँ कि आपने कहा कि इसी पर इतना कर दो मनीष भाई कि यही मेन चैनल हो जाए, तो चलिए विपदा में खेलने की जो ताकत है उससे कहीं ना कहीं हम लोग इससे सीख लेते हैं। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, बहुत आभार आपका।